एक लंबे समय पहले एक गांव में आदित्य और भावना नामक पति पत्नी रहते थे। उनका चित्रा नामक एक सुंदर सी बेटी थी। वो एक छोटी सी घर में रहते थे। आदित्य एक बहुत नेक इंसान था और जितना उसके पास था उतने में ही खुश रहने वाला था। वो पानी पूरी बेच के आए हुए पैसों से ही अपने परिवार की देखभाल करता था। हर रोज वो सुबह उठ के पानी पूरी बना के बेचने जाता था। पानी पूरी स्वादिष्ट पानी पूरी, एक बार खाना काफी नहीं होता है, बार बार खाने का मन करता है। 10 रुपयों का एक प्लेट, आइए आइए। ऐसे पूरी गांव में जाते हुए बेचता था। उसके बनाए हुए पानी पूरी स्वादिष्ट रहने पर सभी लोग वहां खाना पसंद करते थे। रोज की तरह वो एक दिन पानी पूरी बेच के अंधेरा होने पर वापस घर जाते रहता है, जब उसे रास्ते में कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। उसके पलक झपकते ही वो लोग गायब भी हो जाते हैं। कौन थे वो लोग, क्यों भाग रहे थे और इतने में ही कहां गायब हो गए? ऐसे वो अपने आप में सोच रहा था, जब उसे रास्ते के बगल में एक सूटकेस दिखाई देता है। ये किसका सूटकेस है? शायद किसी ने खो दिया होगा। सुबह मैं इसे जमींदार को दे देता हूँ, वो इसको उसके मालिक तक पहुँचा देंगे। ऐसे सोच के वो सूटकेस अपने साथ अपने घर ले जाता है। आदित्य की पत्नी उस सूटकेस को देख पूछती है, ये किसका सूटकेस है जी? मुझे नहीं पता, आते समय रास्ते में मिला था मुझे। क्या है सूटकेस में? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, तो फिर रुकिए, मैं पहले ये देखती हूँ कि इसमें है क्या। और ऐसे सूटकेस खोलती है। सुनिए, इधर आके देखिए तो कि इसमें है क्या। हाँ, क्या है? पास आके देखने पर वो सूटकेस हीरे, मोती और सोने से भरा हुआ था। देखा आपने, कितने हीरे, कितना सोना है इसमें। अब हमें कभी वापस मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भावना, ये सूटकेस हमारा नहीं है, किसी ने खो दिया इसे। कल सुबह इसे जमींदार के हवाले करने इसे लेके आया हूँ। तो आप क्या इसे जमींदार को लौटाएंगे? हाँ, मैं ये स्वीकार नहीं करूँगी। हम इस सूटकेस को हमारे ही पास रखेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आखिरकार बहुत खुश रहेंगे। अपनी पत्नी का उस बात ना स्वीकार करने पर आदित्य उसे दुख ना पहुँचाने के लिए उसे कुछ नहीं कहता है और सोच में पड़ जाता है। अगर मैं उन हीरे और मोती को लेता हूँ तो गलत है, पर अगर मेरी पत्नी वो सब लेती है तो वो मेरी गलती नहीं है ना? ऐसे सोचकर अपनी पत्नी से कहता है, किसी और का कमाया हुआ मुझे खर्च करना ठीक नहीं लगता है। मैं अपने पानीपुरी का दुकान ही चलाऊंगा, तुम्हें जो पसंद तुम वही करो। ऐसे कहने पर उसकी बीवी बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी मिले हुए हीरे, मोती और सोना बेच के बड़ा सा घर खरीदती है और वे सब उसी घर में चले जाते हैं। मगर आदित्य अपना पानी पूरी का व्यापार नहीं छोड़ता है। एक दिन जमींदार के पास एक औरत आती है। प्रभु प्रभु, मेरे घर में किसी ने सारे हीरे सोना मेरे गहने चुरा लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसीलिए आपके पास भाग के आई। कृपया मेरी मदद कीजिए प्रभु। फिकर ना करो माता, मेरे पे भरोसा करके अब चले जाओ, मैं उस चोर को पकड़ के आपको बुलाऊंगा। जमींदार के ऐसे कहने पर वो औरत उन पे भरोसा करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद के कुछ ही दिन में जब आदित्य और उसका परिवार एक बड़ा घर खरीद के उसमें रहने लग जाते हैं, तो गांव के लोग में उन्हीं के बारे में खुसुर-पुसुर शुरू हो जाती है। ऐसे ये बात जमींदार तक भी पहुँचती है। एक साधारण पानी पूरी बेचने वाला एकदम से इतना बड़ा घर कैसे खरीद पाया? पता नहीं प्रभु, किसी को नहीं पता। गांव के सारे लोग भी आश्चर्यचकित होके इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही मैं सुन के आपको बताया। ठीक है, उन दोनों को इधर लेके आओ। जी प्रभु। जमींदार के कहने पर सेवक
उन दोनों को उनके पास लेके जाते हैं। आदित्य, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारे व्यापार के बारे में भी पता है। तुम्हें कुछ पूछने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। पूछिए प्रभु। कुछ नहीं, तुम इतने कम दिनों में उतना बड़ा घर कैसे खरीद पाए हो? सच बताओ। क्या ये पूछने के लिए जमींदार हमें यहाँ तक बुलाए हैं? मुझे ही बताना होगा कुछ, वरना मेरे पति सब सच बता देंगे। मेरे पति का कमाया हुआ पैसा हम बचा बचा के ये घर खरीद पाए हैं प्रभु। ऐसे हिम्मत से बोलती है ताकि किसी को शक ना आए। माता, आप पे कोई इल्जाम लगाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाया हूँ। मेरे पास एक औरत आके बोली है कि उसके गहने और सोना किसी ने चोरी कर लिया और उसी समय में आपने एक बड़ा घर लिया। हालात मुझे आपसे ऐसे पूछने पर मजबूर कर रहे हैं, तो सच कहिए कि आपको इतने पैसे अचानक कहाँ से मिले? अगर मैं अब भी चुप बैठूंगा तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी और उस औरत के दुख का कारण मैं ही हो जाऊंगा। ऐसे सोचकर आदित्य जमींदार को सच बताने का फैसला करता है। मुझे क्षमा करे प्रभु। और ऐसे जो कुछ भी हुआ वो प्रभु को बताता है और तुरंत वो गहनों वाला सूटकेस उनके हवाले कर देता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुमने सच बता के और ये गहने ला के वापस कर दिए, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पहली गलती के लिए माफ कर दूंगा और दंडित नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना आदित्य, गलती ना करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है गलती करने वालों को रोकना। ये कभी मत दोहराओ। जमींदार के माफ करने पर आदित्य उनके कृतज्ञ होता है और वहाँ से चला जाता है और जमींदार उन गहनों को उस औरत के हवाले कर देता है। आदित्य हमेशा की तरह अपने पानीपुरी का व्यापार करता है और उसी से अपना घर को चलाता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती नहीं करना है ये तो सबको पता है, और गलती करने वालों को प्रोत्साहित भी नहीं करना है ये समझ लो।